Hello guys, welcome back to Fit and Freeze, my English side, and today we will talk about what's in my gym bag and why. So without wasting any time, let's get started. Firstly, I have this gym zipper. Staying hydrated in gym is super important. It prevents you from fainting and from dehydration. आप अपने pre-workouts और post-workout इसमें add करके पी सकते हो. पर्सनली मैं प्री वर्कआउट से पहले कैफीन या क्रिएटिन लेता हूँ और पोस्ट वर्कआउट हाइपरटॉनिक ड्रिंक कोई भी जैसे कोकोनट वाटर और वे प्रोटीन इसमें लेता हूँ. सेकेंडली आई हैव दिस हेडफोन्स. मैं किसी भी प्रोडक्ट की कंपनी का नाम नहीं लूँगा ताकि पेड प्रमोशन ना लगे, बट पर्सनली मैं ये यूज़ करता हूँ. आपकी चॉइस है यूज़ करना ना करना. आप सबको पता है जिम में कैसे गाने बजते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा फोकस्ड रहता हूँ और मोटिवेटेड रहता हूँ ये पहन के. नेक्स्ट इज योर मल्टीवाइटामिन. अगेन आई एम नॉट नेम द कंपनी, बट मल्टीवाइटामिन्स आर रियली एसेंशियल. आप अपनी डाइट से और सप्लीमेंट करके अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स तो पूरे कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कॉम्प्रोमाइज हो जा रहे हैं. तो उन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए मल्टीवाइटामिन है. मल्टीवाइटामिन ओमेगा 3 और जिंक आप ले सकते हो. मेरे मल्टीवाइटामिन में तीनों एक साथ है, तो मैं अलग से ओमेगा 3 और जिंक नहीं लेता. नेक्स्ट आई हैव अ डीओ. जिम करने के बाद बहुत सारा स्वेट आ जाता है. अगर आप इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो, अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, तो उस स्मेल को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक डीओ. सो नेक्स्ट आई हैव अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग इज दिस स्टेरॉइड. नो, आई हैव क्रिएटिन. क्रिएटिन इज अ एक्सट्रीमली सेफ एंड बेनिफिशियल सप्लीमेंट. इसी पे सबसे ज्यादा स्टडीज हो रखे हैं. पता नहीं लोग इसको क्रिटिसाइज क्यों करते हैं. मैंने इस पे बहुत सारी वीडियोज बना रखी हैं, इसकी डोजेज, इसकी सेफ्टी, इसके टाइप्स यहीं कहीं मैं पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके देख लेना. मैं पर्सनली प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट यूज करता हूँ. आप इसको दिन में कभी भी ऐड कर सकते हो, इट्स बेनिफिशियल. नेक्स्ट आई हैव सिट्रुलिन मैलेट. अगर आप में से कोई प्री वर्कआउट यूज करता है, तो प्री वर्कआउट में एक इंग्रेडिएंट सिट्रुलिन मैलेट भी होता है. देन व्हाई नॉट कंज्यूम सिट्रुलिन मैलेट डायरेक्टली, और प्री वर्कआउट से आधे से भी कम प्राइस में आ जाता है. अगेन आई सजेस्ट कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, तो आप प्री वर्कआउट एलार्जिनाइन और सिट्रोलिन मैलेट जैसे सप्लीमेंट्स में इन्वेस्ट करो. आपको अच्छा पंप देंगे, पंप से मोटिवेशन आती है. बट अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है, तो कुछ सप्लीमेंट्स में इन्वेस्ट मत करना. रैदर इन्वेस्ट इन एसेंशियल सप्लीमेंट्स जस्ट एज वे प्रोटीन, क्रिएटिन एंड मल्टीविटामिंस. नेक्स्ट आई हैव अ टॉवल, स्मॉल टॉवल, सैंडो एंड अ स्पेयर टी शर्ट. टॉवल इसलिए कि आपका एक्सरसाइज करते हुए बहुत स्वेट निकलता है, तो उसको पोंछने के लिए सैंडो में मैं एक्सरसाइज करता हूँ, और एक स्पेयर टी शर्ट रखता हूँ कि सैंडो उतारने के बाद उसको पहन लूँ. सो लास्टली आई हैव दिस हेयर बैंड. लंबे बाल हैं तो कभी कभी आगे आ जाते हैं उसके लिए. अब वे प्रोटीन का है, तो वे प्रोटीन यहाँ पर है, और इतने से बैग में तो ये आएगा नहीं. और वैसे भी मैं वे प्रोटीन वर्कआउट के आधे घंटा 25 मिनट्स बाद कंज्यूम करता हूँ. पहले एक हाइपर टॉनिक ड्रिंक कंज्यूम करता हूँ, सच एज कोकोनट वाटर, मैंने पहले वीडियो में बताया. सो रैपिंग अप द वीडियो हेयर ओनली, लाइक कमेंट शेयर फॉर मोटिवेशन, सब्सक्राइब फिट एंड फ्रीज. अगर आपका कोई भी डाउट है अपनी फिटनेस जर्नी को लेकर, देन कमेंट डाउन. अगर कमेंट्स में आंसर नहीं मिलता है, then DM me on Instagram. Help me reach 2K soon. I will be back with new videos related fitness, tech, grooming and some vlogs. Until then, stay tuned, stay fit and stay fashionable.